विकी कौशल ने लास्ट मंथ दो बार हेडलाइंस बनाई, पहली बार कैटरीना कैफ के साथ सात फेरे लेकर और दूसरी बार सारा अली खान को पिलियन राइडर बनाकर, जब उन्होंने एक बाइक को इंदौर की गलियों में दौड़ाया तब भी बनी सुर्खियां, क्योंकि उनकी अनटाइटल्ड फिल्म के शूट से लीक हुई ये क्लिप्स एंड पिक्चर्स इतनी तेजी से वायरल हुई कि सबको विकी और सारा की आने वाली फिल्म के बारे में पता चल गया। लेकिन अब विकी के उसी बाइक सीक्वेंस में जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज किया गया उसे लेकर पुलिस कंप्लेंट की गई है। दूसरी तरफ कैटरीना कैफ की वो झलक सामने आ गई है जिसमें कैटरीना विकी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट पहुंची और फिर जो हुआ वो सामने है। विकी कौशल इंदौर शूट में जिस रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटर बाइक पर सारा अली खान को पीछे बैठाकर घुमाते नजर आए, एक्चुअली वो किसी बाइक का नंबर नहीं है। इंदौर के एक लोकल रेजिडेंट ने पुलिस में कंप्लेन की है कि ये विकी की बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर दरअसल उसकी स्कूटर का नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी परमिशन के बिना फिल्म की शूट में यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इंदौर पुलिस ने विकी के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट की बात कंफर्म करते हुए कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। खैर, जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि विकी कौशल जिस बाइक को चलाते हुए नजर आए वो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की ही थी और उसकी नंबर प्लेट चेक करने पर पता चला कि एक डिजिट ठीक से नजर ना आने की वजह से कंप्लेंट करने वाले को कंफ्यूजन हो गया और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। जबकि इंदौर के पुलिस स्टेशन ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि फिल्म की यूनिट ने कोई गड़बड़ नहीं की है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद रिसेंटली विकी कौशल और कैटरीना कैफ को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट छोड़ने पहुंची कैटरीना ने कार से उतरने से पहले विकी को हग किया और उनके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो विकी को काफी मिस करने वाली है। रिपोर्टेडली विकी और सारा अली खान इंदौर में 30 से 40 दिनों की शूटिंग करेंगे। इसके अलावा विकी भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी के साथ गोविंदा मेरा नाम में भी नजर आएंगे।